वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो सबसे पहले आप सबको बैसाखी की बहुत 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 मुबारक हैं। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी मॉर्निंग में मुझे पार्सल रिसीव हुआ है नायका से। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। एक्चुअली के ब्यूटी के बारे में मैंने बहुत सुना है इस ब्रांड के, तो मैंने सोचा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं इसके वो मैं ट्राई करके देखती हूँ। सो लेट्स ओपन दिस, फर्स्ट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है और सबसे रिलैक्सिंग काम भी है। आई थिंक मज़ा भी आता है लेकिन एफर्ट्स भी बहुत सारे लगते हैं। सो ये ओपन हो गया। अब देख, इसकी पैकेजिंग हर रोज़ नई तरह की है। सो देखते हैं कि सबसे पहले क्या आया। सबसे पहले हैं लिप शीट्स, मैंने मंगवाई थी, एक नीचे गिर गई। सो ये है के ब्यूटी की लिप क्रियॉन, ये लिपस्टिक है। देखते हैं अभी ये है इन वो बंद, बाद में बताती हूँ कौन सी शेड है कौन सी नहीं, पहले सब देख लेते हैं आया भी है। ये दोनों क्रियॉन्स हैं एंड ये लिप पेंसिल्स हैं दोनों। ये दोनों न्यूड शेड्स में हैं और ये दोनों बोल्ड कलर्स में लिपस्टिक्स हैं। और मैंने कुछ तो मंगवाया था और भी, और मैंने मंगवाई थी फाउंडेशंस मेबलिन की, सुपर स्टे फाउंडेशंस मंगवाई थी मैंने तीन। एक्चुअली आपको पता चल ही जाएगा मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सारा स्टॉक इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें मिलनी इम्पॉसिबल हैं। मिलती हैं लेकिन आई डोंट नो कहाँ मिलती हैं ऑनलाइन, वहाँ पे कितना टाइम लगता है आने में। बट मैंने ये पहले से स्टॉक पूरा ले रही हूँ। भाई पिछली वीडियो आपने देखी है कि मैंने सारा चीज़ें ले ली हैं पहले से ही। फाउंडेशन मस्ट है, बिल को क्या करें। एक्चुअली मुझे फ्री गिफ्ट भी मिला है कुछ। तो मैं देखूँ क्या मिला, मुझे याद भूल गए कि मैंने क्या सिलेक्ट किया। ओके, ये कॉफिन के आई थिंक स्क्रब एंड लेट्स सी। ये मुझे मिला है फेस स्क्रब एंड और मुझे मिला है इसका कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये ना मुझे बहुत टाइम से यूज़ करना था, देखना था कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। और आपको अभी नायका ने ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप 2000 की ऊपर से शॉपिंग करते हो तो आपको 4 प्रोडक्ट्स ऐसे फ्री में देते हैं जिसे आपको एक सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं बड़ा वाला भी लूँगी इसे। ये मिनी वर्जन है इसका। सो इसका तो मैं रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं करा अभी, ये रख देते हैं पीछे। तो अभी मैं ये भी आपने देख ही लिया है पिछली वीडियो में ये कौन सी फाउंडेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं एक दिखा देती हूँ निकाल के। ये है मेबलिन की सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। ये मैंने आपको पहले से बता दिया था और ये मैंने 3 और ऑर्डर करी थी क्योंकि आई डोंट नो वहाँ जब जा रही हूँ तो कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे। सो इसलिए अपने पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रही हूँ। कपड़े वपड़े तो सब कुछ हो गए हैं, सब न्यू ले लिया है। अभी बचे हैं असीस के और तरुण की शॉपिंग बची है, मेरी तो हो गई है और मेकअप भी पूरा मैंने रख लिया है। तो अभी देख लेते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं लिप पेंसिल्स। इनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना, आई मीन आप कोई शेड पूरी दिखा देते हैं कि आप कौन सी शेड की लेना चाहते हो। ओपन करते हैं, मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि मुझे ये एक एक पीस कितने का मिला है। वाह,
ये है लिप पेंसिल इन द शेड फेम, ऊपर इन्होंने मेंशन करके रखा होता है। ये आपको ना जब हम ड्राइंग वगैरह करते हैं तो स्केच पेन्स नहीं मिलते थे हमें पूरे पैकेट में, कुछ वैसी ही डिज़ाइन है इसकी। ये मैं स्वाचेस जो हैं वो मैं करूँगी अपनी नेक्स्ट शॉर्ट्स की वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा। ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, अभी के लिए सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सेकंड ये वाली है सेम पेंसिल, लिप पेंसिल, ये है इन द शेड हाइट, ये भी स्वाच मैं उसमें करूँगी, कहाँ शॉर्ट्स पे। एंड ये है लिप क्रेयॉन, ये थोड़ा मैंने बोल्ड शेप में बोल्ड सॉरी शेड में लिया है क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने इसके रिव्यू देखे थे देन मैंने ऑर्डर की है। मैं आपको यही बोलती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है सबसे पहले यूट्यूब पे जाके रिव्यूज़ देखें, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये शेड हम पे सूट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। ये है लिप क्रेयॉन, ये भी बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, बट इट्स ओके। ये है इन द शेड द आफ्टर पार्टी, ये थोड़ा बोल्ड रेड कलर में है। इसके ऊपर तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, बट जो इसका कवर है इस पे सब कुछ उन्होंने मेंशन किया है, कितने ग्राम प्रोडक्ट दिया है, कितने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं इसमें। लास्ट शेड ये थोड़ा पिंकिश बोल्ड पिंक कलर में है, ये भी सेम वैसी है। एक्चुअली मैं अभी सोच रही थी कि लिपस्टिक शेड्स मैं आपको यहीं पे लगा के बता दूं ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए और मुझे भी मिल जाए कि ये मतलब किस टाइप की हैं। मैं सोच रही थी कि अभी मैं स्वाचेस भी यहीं पे दिखा दूँ, शॉर्ट्स बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। एक पार्सल ज़ारा से भी आया है, उसके भी रिव्यू करने हैं, अब मैं वो घर जाके दूँगी। अभी एक्चुअली मामा के घर पे हूँ तो यहाँ पे सेटअप का थोड़ा सा इशू है, लाइटिंग का भी प्रॉब्लम आता है मुझे, तो अपने घर जाके आराम से ज़ारा का जो पार्सल आया है उसमें क्या क्या नहीं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल ये सुबह मुझे मिला था पार्सल, अभी मैं कहीं जा रही थी तो सोचा पहले मैं वीडियो बना दूँ एंड देन फिर देखते हैं। मैं सोच रही थी कि अभी ही यहीं पे इस वीडियो में ही आपको मैं ये यूज़ करके बता देती हूँ ये कैसा है कैसा है। फॉर्मूला है वो बिल्कुल मैट में आ गया, आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक का कलर मुझे अभी भी लगा हुआ है क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा था मेरे लिए। जो ये कलर है इसको आप एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला इतना ज़्यादा अच्छा और क्रीमी है। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की साइड भी लगाऊंगी लिप्स पे। आई लव दिस कलर, न्यू लिपस्टिक्स आर माय फेवरेट। अब भी मैं इसके साथ दूसरा जो मैंने लिया है वो मिक्स करके देखूंगी कि कैसा लगता है। सी कलर कितना ज़्यादा अच्छा है दोनों को मिक्स करके, थोड़ा सा आपको रेडिश भी लग रहा होगा साइड्स में क्योंकि लिपस्टिक्स निकल बड़ी मुश्किल से रही थी, इसलिए मैं बोल रही थी कि शॉर्ट्स में डाल देती हूँ क्योंकि स्वाचेस करना ओह माय गॉड इतना मुश्किल है। सबसे पहले इनकी पैकेजिंग को निकालना ही इतना मुश्किल था। कलर मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्रीटी लग रहा है दोनों को मिक्स करके। आई रियली लव दिस,
एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूँ, ये फार्मूला तो काफ़ी क्रीमी है, बट जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये विद इन 2 सेकेंड में ये बिल्कुल मैट हो जाता है। सो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी तक तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। मैं इसको दूंगी 7 out of 10, और जब मैं इसको अच्छे से मैं लगाऊंगी, अच्छे से मैं इसका मतलब देखूंगी कैसा है कैसा नहीं। अभी तो फर्स्ट टाइम था मेरा के ब्यूटी ब्रांड के साथ, तो अच्छा ही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। आप कलर देखो, जिनको न्यूड कलर और साइड में थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, वो उनको तो बहुत पसंद आने वाला है आई एम श्योर। एंड ये रहे मेरे के ब्यूटी के रिव्यू लिपस्टिक्स एंड लिप लाइनर के, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। जिनको मैट फार्मूला पसंद है, जिनको ग्लॉसी फार्मूला पसंद है, वो इसको मत लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैट हो जाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है ये। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी खाएं पिएं तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, ना ही आपके ग्लास पे वो निशान रह जाएगा जो हर लिपस्टिक के साथ प्रॉब्लम होती है, तो एम्बेरसमेंट थोड़ा सा फील होता है। अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं नो डाउट, बट मैं इसको दूंगी 7 out of 10, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मुझे इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना मुझे मेबलिन्स की लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं, एंड नायका नायका तो मेरा नंबर वन प्रायोरिटी है नो डाउट। अभी इसके साथ तो फर्स्ट टाइम था, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बट जो भी कलर मैंने चूज़ किए थे वो बेस्ट हैं, चाहे वो बोल्ड कलर में हो चाहे वो न्यूट्रल कलर में हो, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये कलर तो मेरा फेवरेट है, ये कॉम्बो तो मेरा फेवरेट है अभी। आप लिप लाइनर को सोचो एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना बढ़िया है। या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, एंड हिट द बेल आइकन ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको फटाफट से मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।